असलामुअलैकुम गाइस, हम जूलॉजी पढ़े, थोड़ी मेरे यूट्यूब चैनल है इनमें बायोलॉजी। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इम्प्रिंटिंग। अब इम्प्रिंटिंग क्या होती है, ये एक इनेट बिहेवियर की टाइप है। ये हम यूँ कह लें कि इम्प्रिंटिंग बिलोंग करती है इनेट बिहेवियर से, क्योंकि अब हम इम्प्रिंटिंग होता है असल में, तो हम इसकी जनरल या हम यूँ कह लें कि अगर सिंपल डेफिनेशन करें तो क्या होती है, फॉलोइंग ऑफ फूड स्टेप्स। ठीक है, फॉलोइंग ऑफ फूड स्टेप्स। और किस चीज़ के फॉर्मिंग करते हैं फूड स्टेप्स के, फर्स्ट थिंग जो कि वो आफ्टर हैचिंग देखते हैं, ये मोस्टली बर्ड्स के अंदर होता है। ठीक है, आफ्टर रिप्रोडक्शन फर्स्ट थिंग। ठीक है, फूड स्टेप्स ऑफ फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये मोस्टली बर्ड्स के अंदर होता है ये फिनोमेना इम्प्रिंटिंग का। ठीक है, बर्ड्स क्या करते हैं कि आफ्टर हैचिंग सबसे पहली जो चीज़ को देखते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं कि उसे अपना पेरेंट समझते हैं और उसको जो है फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो इसके इम्प्रिंटिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया डिटेल में, वो था कॉनरैड लॉरेंस। ठीक है, कॉनरैड लॉरेंस इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि उसने जो है ग्रे लैग गीज। ठीक है, उसके जो क्लच था, ठीक है, उस ग्रे लैग गीज का जो क्लच था, ठीक है, क्लच से क्या मुराद है कि उसके जो अंडे थे, ठीक है, उनमें से जो है हाफ उसने जो है उठा लिए, मतलब कि हाफ उसने जो है आर्टिफिशियली उठा लिए, इनक्यूबेट करवाए, और हाफ उसने क्या है कि उसने पेरेंट्स के पास ही छोड़ दिए। ठीक है, यानी कि उनकी जो है नेचुरली हैचिंग करवाई। ठीक है, अब जो हमने उसने जो अंडे छोड़े उसके पेरेंट्स के पास, यानी कि जिनके अंदर जो है नेचुरली उनकी जो हुई इनक्यूबेशन हुई है, या उनके अंदर जो है नेचुरली वो हैच हुए, तो वो क्या हुआ कि जब वो नेचुरली हैच हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तो अपने पेरेंट्स को ही देखा सबसे पहले, और उन्होंने अपने पेरेंट्स को ही, यानी कि पेरेंट्स गीज़ को देखा, उनको पेरेंट्स को फॉलो किया, और उन जो है उनको जो है फॉलो करना स्टार्ट किया, और उनके साथ ही जिंदगी गुजारना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो हाफ थे, ठीक है, यानी कि जो कॉनरैड लॉरेंस ने हाफ अंडे उठाए थे और उसको आर्टिफिशियली जो है इनको पेश करवाया था, तो जब उन्होंने आफ्टर हैच हुए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है कॉनरैड लॉरेंस ने भी क्या किया, जब वो हैच हो गए तो उसने खुद को जो है उनका पेरेंट या उसको फर्स्ट पेपर या फर्स्ट पर्सन के तौर पर जो है खुद को शो करवाया, और जो हैचिंग होने वाले थे गीज के बच्चे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कॉनरैड लॉरेंस को ही जो है अपना पेरेंट समझा और इसको ही जो है फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कॉनरैड लॉरेंस ने क्या किया कि उसने ग्रे लैग गीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इस तरह से किया, उसके जो क्लच ऑफ यानी कि एग्स थे, उसमें से हाफ उसने उठा लिए और हाफ उसने पेरेंट्स के पास छोड़ दिया। अब जो हाफ उसने पेरेंट्स के पास छोड़ दिया, उनके अंदर नेचुरली इनक्यूबेशन हुई है, नेचुरली हैचिंग हुई, और उस पेरेंट्स ने जब वो हैच हो गए, तो उन्होंने जो है पेरेंट्स को ही फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और जो बाकी हाफ थे उसने क्या किया, उनको जो है आर्टिफिशियली इनक्यूबेट करवाया, और जब वो हैच हो गए, तो उसने फिर क्या किया, जब उनकी हैचिंग के बाद खुद को उनका पेरेंट बनकर दिखाया, ठीक है, या खुद को जो है फर्स्ट पर्सन बनकर दिखाया, तो उन जो है वो जो आर्टिफिशियली हैच हुए थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कॉनरैड लॉरेंस को ही अपना पेरेंट समझा और उसको ही जो है फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। फिर जब यही दोनों जो है, ये दोनों हाफ जो है आर्टिफिशियली हाफ नेचुरली, ये जो जब एडल्ट हो गए, ठीक है, एडल्ट हो गए, तो इन्होंने क्या किया कि जब ये एडल्ट होने के बाद इन्होंने जो हाफ आर्टिफिशियल नेचुरली थे, उन्होंने अपने पेरेंट्स को ही फॉलो करना स्टार्ट रखा, तो और जो बाकी जो रिमेनिंग आर्टिफिशियली हमने ऐड करवाए थे, यानी कि जिनके लिए कॉनरैड लॉरेंस ही जिनका पेरेंट था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अट्रैक्शन जो है या आर्टिफिशियली वालों ने जो है इंट्रैक्शन शो करवाना शुरू कर दी मोर टू ह्यूमन। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि फिर उनको जब उनके साथ छोड़ा भी गया, तो उन्होंने जो है उन्होंने उसे नहीं पहचाना, ठीक है, यानी कि अब उनके असली पेरेंट्स को नहीं पहचाना या उन्होंने दूसरी गीज को नहीं पहचाना, उन्होंने क्या किया सोशल इंट्रैक्शन बनाना शुरू कर दी ह्यूमंस की तरफ, क्योंकि उन्होंने ह्यूमंस को ही जो है कॉनरैड लॉरेंस को जो है अपना पेरेंट कंसीडर किया। तो ये था हमारे पास इम्प्रिंटिंग का एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्या होती है, फॉर्मिंग ऑफ फूड स्टेप्स ऑफ फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट थिंग आफ्टर हैचिंग या जो वो या रिप्रोडक्शन के बाद जो देखते हैं, ये मोस्टली क्या होती है, मोस्टली बर्ड्स के अंदर होती है। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये एक्सपेरिमेंट किया, किसने किया, ये कॉनरैड लॉरेंस ने किया, उसने ग्रे लैग गीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्लच का ग्रे लैग गीज़ का उसने क्या किया कि उसको हाफ नेचुरली जो है पेरेंट्स से बाहर छोड़ दिया हाफ अंडों को, और जो उनकी जो है नेचुरली उनकी हैचिंग हुई और उनके जो बच्चों ने उनके पेरेंट को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया।
अब जो हाफ उन्होंने आर्टिफिशियल लिया, आर्टिफिशियल उनके अंदर हैचिंग हुई, तो आफ्टर हैचिंग उन्होंने क्या किया है, उनके जो बच्चे थे उन्होंने जो है उसको कॉन्रेड लॉरेंस की फॉलो करना स्टार्ट किया। दूंगे हैचिंग के बाद उन्होंने सबसे पहला जो पसंद देखा था वो कॉन्रेड लॉरेंस था, और उसके उन्होंने कॉन्रेड लॉरेंस को ही जो है अपना पेरेंट कंसीडर किया, उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब ये दोनों नेचुरल आर्टिफिशियल वाले जो गीज थे वो जब एडल्ट होना शुरू हो गए या एडल्ट हो गए, तो जो एडल्ट जो नेचुरली प्रोड्यूस है उन्होंने अपने पेरेंट्स को ही फॉलो करना स्टार्ट रखा, और जो आर्टिफिशियली थे यानी कि जिन्होंने कॉन्रेड लॉरेंस को अपना पेरेंट कंसीडर किया था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंट्रैक्शन अपना पेरेंट कंसीडर किया। तो ये था हमारे पास इम्प्रिंटिंग का फिनोमेना, ये मोस्टली जो बर्ड्स के अंदर होता है, यानी कि फॉलोइंग ऑफ फुटस्टेप्स।